नमस्कार, अंबुनिधि न्यूज में आपका स्वागत है। यमुनानगर में आज फिर एक बार रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हाईवे नंबर 73 पर एक बजरी से भरे डंपर ने सड़क किनारे लगे टेलीफोन व बिजली के खंभों को तोड़ता हुआ दुकान में घुस गया, जिससे दुकान का शटर भी टूट गया। आपको बता दें कि अगर यह हादसा थोड़ी देर बाद होता तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इस हाईवे के साथ बस्ती व बाज़ार होने के कारण दिन में बहुत भीड़ रहती है, जिससे लोगों का आना जाना रहता है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। इसके बारे में अभी कंट्रोल रूम से मीटिंग प्राप्त हुई थी, जिन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हो गया। हम मौके पर पहुँचे, जाकर देखा है एक बिजली का ट्राला दुकान में घुस। मौके पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, कम से कम जो भी कार्रवाई होगी वो चलाई। दिन का समय तो ऐसा हो सकता है बड़ा, लेकिन जो रात का समय था इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।